पेड़ नहीं मिली। मैं हूँ हेमंत और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो नंबर 90 है उसका विषय है हाउ द एटीटीएस एनर्जियस वोल्टेजियस वेलोसिटियस लाइटनिंगस थंडरस और फैबुलस फेरोशियस ये जो पेनी हिमिनी के ये जो स्टेट्स है ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे मैच होते हैं। आप पहले देखते हैं पेनी का, पहले आता है प्री कॉन्स्ट्रक्ट प्री विंस्टा, तो यहाँ पे उनका जो आता है फेज है तो उसको कहते हैं उनका मेन एंटिटीस फेज। बाद में आता है प्रो कॉन्स्टा प्रो विंस्टा, तो उनका जो फेज है एनर्जियस वो इन दोनों में आता है, मतलब कि और कैसे वो मैच होते हैं व्हेन पेन इज इन द मोड ऑफ प्री कॉन्स्टा और प्री विंस्टा तो वो एंटिटीस होती है, जब वो प्रो कॉन्स्टा प्रो विंस्टा में आती है तब वो एनर्जियस होती है। बाद में आता है पोस्ट कॉन्स्टा पोस्ट विंस्टा, वहाँ पर वो लाइटनिंगस मोड में आती है। बाद में पॉप कॉन्स्टा पॉप विंस्टा मोड में वो आती है वोल्टेजियस मोड में, और सबसे आखिर में जो प्रॉप कॉन्स्टा और प्रॉप विंस्टा है वहाँ पे वो एक फैबुलस मोड में आती है। सेम अबाउट हेमिनी, उनका जो प्री कॉन्स्टा और प्री विंस्टा जो ये है फेज है वहाँ पर वो होते हैं एंटिटीस मोड में। बाद में उनका जो प्रो कॉन्स्टा प्रो विंस्टा फेज आता है वहाँ पर वो होता है तो उनके खास एनर्जियस मोड में। बाद में उनका जो फेज आता है कि पोस्ट कॉन्स्टा पोस्ट विंस्टा वहाँ पर वो थंडरस मोड में होता है। चौथी जो फेज है उनकी कि पॉप कॉन्स्टा पॉप विंस्टा वहाँ पे वो वेलोसिटियस मोड में होता है, और सबसे आखिर में प्रॉप कॉन्स्टा और प्रॉप विंस्टा फेज में वो उनके फेरोशियस मोड में होता है। ये काफ़ी टेक्निकल बात है, मैंने पोस्ट भी लिखी है, आप पोस्ट के साथ ये वीडियो मैच करके देखिए, कुछ समझ में आएगा तो आएगा। थैंक यू। पेड़ नहीं।